नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ छवि। रीवा हनुमाना थाना अंतर्गत ग्राम रघुनाथगढ़ में घर में घुसे चोरों ने 55 वर्षीय महिला के सिर में पत्थर पटक कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि एक 55 वर्षीय वृद्ध महिला घर में अकेली थी। घर में चोर घुसाने की आहट सुनकर नींद से उठकर चोरों का विरोध किया। चोरों ने उस पर पत्थर पटक दिया जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। मरणासन्न हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला ने अपने घर में छोटी सी किराने की दुकान खोल रखी थी। जब गांव का एक लड़का सामान खरीदने आया तो उसने देखा कि महिला मरणासन्न हालत में पड़ी है और घर का सभी सामान अस्त व्यस्त है। घर में दुकान में अलमारी सभी खुली हुई थी। FSL टीम घटनास्थल पर पहुँच कर साक्ष्य जुटा रही है। हनुमाना थाना के अंतर्गत एक गांव है गाड़ा रघुनाथगंज। वहां श्रीमती महादेवी शुक्ला नाम की एक सयानी महिला रहती हैं। उनके पति यूपी में रहते हैं, उनका एक लड़का है वो सिंगरौली में रहता है। घर में कल रात में अकेले थी और ऐसा महसूस हो रहा है कि रात में उनके घर में चोर घुसे होंगे, क्योंकि उनके घर का सामान पूरा बिखरा पड़ा हुआ है और ये जाग गई होंगी। इन्होंने विरोध किया होगा, इनके सर में पत्थर ऐसी कोई चीज़ मार के चोर जो है भाग गए हैं और ये घायल अवस्था में अपने घर के सामने आंगन में पड़ी हुई थी। कोई चरवाहा सुबह वहाँ से निकला होगा, इन्हीं के गाँव में इनके रिश्तेदार अंशु करके रहते हैं। चरवाहे ने उनको सूचना दी, फिर उनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पुलिस ने इनको घायल अवस्था में सीधे इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल रवाना किया है। अभी वो बोलने की स्थिति में नहीं है, उनकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है। ये बता पाना मुश्किल है कि कितना सामान चोरी हुआ है। फिर भी पुलिस द्वारा इस संबंध में जो है उनके रिश्तेदारों की सूचना पर अपराध दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। खबर में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। गुड मॉर्निंग टीवी को YouTube में सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबाएं। नमस्कार।